हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक डॉट कॉम और एक खबर जो आई डेल्टा कॉर्प को लेकर वो बिल्कुल ही चौंकाने वाली जैसी खबर है डेल्टा कॉर्प को लेकर अगर हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करें तो आ, लिखा हुआ है दैट इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी करोड़ रुपीज ऑफ टैक्स नोटिस टू डेल्टा कॉप और ये इलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी करोड़ तो दो तीन जगह आपको इलेवन थाउजेंड वन थर्टी नाइन वन फोर्टी द सेम थिंग इलेवन थाउजेंड करोड़ हमने राउंड ऑफ करके दिखा दिया तो दो जगह हम देखते हैं फिगर्स लिखी हुई है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ सेवनटीन थाउजेंड करोड़ मीनस यहाँ पर भी राउंड ऑफ करके दिखाया इस चीज को तो ये जो सिक्सटीन थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज है सो so बेसिकली अगर हम इस सेवनटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज को क्लिक करें और आगे चलकर देखें तो इसमें लिखा हुआ है इलेवन थाउजेंड वन फोर्टी करोड़ हैजीन रेज डायरेक्टली अगेंस्ट द डेल्टा कोक और फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी टू करोड़ रेज अगेंस्ट इट्स सब्सिडरीज तो जो सब्सिडरीज हैं उसको लेकर अगर हम यहाँ पर डेल्टा कोप में जाएं और नीचे जाकर इसके जो नोटिस हैं उनको सर्च करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी है कि आ, हाई स्ट्रीट जो इसकी सब्सिडरीज हैं सब्सिडरीज को भी यहाँ पर कुछ नोटिस आए हैं हाई स्ट्रीट क्रूजेज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड डेल्टा प्लेजर क्रूजेज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड्सिडरीज कंपनीज हैं सो हीयर थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ तो ये फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास की फिगर्स हैं जो यहाँ पर सब्सिडरीज uh, के अगेंस्ट दिखाई गई है लेकिन जो डेल्टा कोर्प लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड सेवन सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट करोड़ अब जो ये 628 करोड़ रुपीस का डिमांड है डेल्टा कोर्प लिमिटेड जो पूरी मींस मेन कंपनी है आ, लेकिन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कैसीनो के अगेंस्ट ही दिखाया गया हो तो आ, ये लिस्टेड ऑब्लिगेशन तो यहां पर इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर गिवन बाय अस टुडे प्लीज नोट दैट कंपनी एंड और इट फॉर द पेमेंट ऑफ शॉर्टफॉल टैक्सेस अंडर सेक्शन 74, सब सेक्शन फाइव ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टी गोवा टू एक्ट, द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 थाउजेंड टू मार्च 2022, ये इनको नोटिस आए हैं जीएसटी से तो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ सब कुछ है क्या यहाँ पर डेल्टा कॉर्प बेसिकली कसिनो चलाती है और कसिनो में अभी कुछ टाइम पहले एक खबर भी आई थी जब जीएसटी को इंक्रीज करके 18 परसेंट से 28 परसेंट किया गया था जितने भी ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस थे उनके ऊपर उसी टाइम पर हमने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाई थी डेल्टा कॉर्प को लेकर क्योंकि तब 189 पर स्टॉक प्राइस आ गया था डेल्टा कॉर्प का और वीडियो बनाई थी कि शायद इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा गिरा था लेकिन ऊपर जाना शुरू हो गया था लगातार उसके बाद में आज ये बिल्कुल ही नई कहानी निकल कर आई कि सिक्सटीन करोड़ रुपीज का यहाँ पर जीएसटी का शॉर्टफॉल है यानी कि इन्होंने इतना जीएसटी कम जमा कराया है अब एक चीज जो बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी कि 16,000 करोड़ रुपीस कितनी बड़ी फिगर है इस कंपनी के लिए तो अगर हम रिवेन्यू की बात करने लगे और जो इस जो 16,000 करोड़ रुपीस का भी जो शॉर्टफॉल है दिस इज बिटवीन जुलाई 2017 टिल मार्च 2022 यानी कि लेस देन फाइव इयर्स तो फाइव इन थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ सत्रह हजार जीएसटी का और इस पीरियड में रेवेन्यू कितनी है अगर हम रेवेन्यू की बात करने लगे इस कंपनी के ऊपर तो यहां पर 608, 800, 800, 400, 600. तो पर पर अगर हम इसका टोटल करने लगे तो 600 अगर मैं एग्जैक्टली exactly टोटल करने लगू सिक्स प्लस जीरो प्लस सिक्स वन सिक्स तो ये फाइव जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आती है वो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन करोड़ रुपीज निकल कर आती है, है। यानी कि जितना भी इन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया कि हमने बिजनेस करा आपने आपको हमने फैसिलिटीज दी और इस थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज में सब कुछ है जितनी भर भी रेवेन्यू होती है अगर लिकर सेल किया तो वो भी है अगर वहां पर इन्होंने आ, कुछ स्नैक्स खाने को दिया तो वो भी है क्रूज का जो किराया होगा वो भी है जो ऑनलाइन गेम खिलाया उसके जो फीस ली वो भी है तो जब करोड़ की टोटल रेवेन्यू है और यहां पर जीएसटी की कमी मीनस ये भी शॉर्ट फॉल टोटल जीएसटी नहीं जीएसटी का शॉर्टफॉल सिक्सटीन करोड़ की यहां पर मीनस डिमांड निकालना Uh, कुछ बात हजम नहीं होती यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगते हैं ना वो आ, ना तो किसी डिपार्टमेंट के ऊपर लगते हैं ना ही आ, किसी इंडिविजुअल पर लगते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगते हैं ओवरऑल सिस्टम के ऊपर ये सिस्टम क्या है मीन्स टोटल माल कितने का बेचा थ्री थाउजेंड करोड़ का और टैक्स uh, हमने कितना कम जमा कराया ऐसे थोड़ी होता है यार मीन्स मीन्स मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज को बोलने के मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर कहा क्या गया है यहाँ पर इस बात को ऐसे समझकर चलो कि जब कसिनो खेला गया वहां पर अगर किसी ने हंड्रेड पॉइंट्स की बैट लगाई हंड्रेड रुपीस की बैट लगाई उस हंड्रेड रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल थ्री रुपीज कसिनो के पास गए नाइन्टी सेवन रुपीज गेम में ही यहीं पर आगे पीछे हुए एक के पास या दूसरे के पास चले गए तो कसिनो की इनकम कितनी हुई थ्री रुपीज कसी ने क्या किया थ्री रुपीज के ऊपर के हिसाब से जो इस टाइम का रेट था जीएसटी जमा कराया और बात खत्म हो गई यहां पर एनुअल रिपोर्ट बनी उसके ऑडिट हुए चार्टेड अकाउंटेंट्स ने यहां पर ठप्पा लगाया और यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर प्रोसेसिंग के लिए एनुअल रिपोर्ट्स बैलेंस शीट पी एंडल स्टेटमेंट कैश फ्लो सब कुछ भेज दिया गया यहां पर रिपोर्ट्स प्रोसेस हो गई सब कुछ फाइनल हो गया अगले साल फिर आया अगले साल फिर सेम केस हुआ और ऐसे ऐसे यहां पर आज तक की बात हो गई उसके बाद अचानक से एक चेंज आया कि 18 परसेंट से हटाकर इसको 28 परसेंट किया जाए और 28 परसेंट भी यहां पर टोटल के ऊपर किया जाए अब टोटल का यहां पर मतलब क्या है यहां टोटल बैट का मतलब क्या है रेवेन्यू के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए टोटल बैट के ऊपर जीएसटी की जो बात चल रही है वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट ये है कि अगर सौ रुपए की बैट लगाई तो सौ रुपए पर जीएसटी जमा कराओ ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेंटी एट रुपीज आ, अब विवेक भाई तो इसमें गलत क्या है आ, अगर हंड्रेड रुपीज की बैट लगाई तो हंड्रेड रुपीज पर जीएसटी लगना चाहिए नहीं आप से इस बात को अगर एफ एंडो की हम यहां पर बात करें और एफ एंडो में फ्यूचर्स की बात करें आपको सब कुछ समझ में आएगा फ्यूचर का अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट फॉर एग्जांपल एक जनरल सी कैलकुलेशन बताता हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट 300 शेयर्स का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो टू थाउजेंड का है अब ₹2000 का शेयर प्राइस 300 का लॉट टोटल वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख रुपए अब इस 6 लाख ,00 रुपए के ऊपर हमने मार्जिन कितना देना होता है 20% के आसपास मार्जिन देना होता है तो 1 लाख 200000 करोड़ रुपए का हमने मार्जिन दिया अब यहां पर ब्रोकर के पास जब हमने ये ट्रेड डाला बाय करने के लिए तो फॉर एग्जाम्पल जीरोधा है तो जीरोधा ने स्टेट के ऊपर कितने का ब्रोकरेज लिया ट्वेंटी रुपीज का ब्रोकर के ऊपर जीएसटी so, कितना जीएसटी के रूप में जीरोधा जमा करेगा और हमसे इस चीज को वसूल करेगा तो जब हमारे पास ब्रोकरेज लगकर आएगी बीस रुपए लगकर आएगी ट्वेंटी रुपीज प्लस एटीन परसेंट जीएसटी थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज टोटल मिलाकर ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज की टोटल ब्रोकरेज लगेगी जीएसटी मिलाकर इसमें से थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे GST के रूप में। अब यहां पर लॉट है थ्री हंड्रेड शेयर यहां पर लॉट है टोटल बैट वैल्यू कितनी है सिक्स लाख रुपीज तो यहां कैलकुलेशन क्या बनती है यहां कैलकुलेशन बनी कि सिक्स लाख रुपीज के ऊपर ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी ये हमें चाहिए तो यहाँ पर ब्रोकरेज कितनी जा रही है जीरोधा के पास जीरोधा के पास ब्रोकरेज जा रही है बीस रुपए उसके ऊपर जीएसटी बनता है तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो क्या कहेगा कि जी इतने तो सारे पैसे ही नहीं है मेरे पास यहाँ सारे पैसे ही मेरे पास 1.5 लाख रुपीज है जिसमें से 1.2 लाख रुपीज की मैंने मार्जिन बनी यूज कराई 30,000 थाउजेंड रुपीज मैंने मार्क टू मार्केट के लिए रखे जिससे कुछ नुकसान हो जाए तो यहीं से पूरी हो सके और आ, हम बात कर रहे हैं ट्वेंटी ऑफ सिक्स लैख यानी कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो वन पॉइंट सेवन लैख रुपीज वन लैख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज यहाँ पर जीएसटी बनेगी और आ, टोटल मार्जिन कितने का रखा वन पॉइंट टू लाख रुपीज का ब्रोपिस कितनी बनी ट्वेंटी रुपीज की तो ये पूरा मामला ऐसा है तो यहाँ कुछ भी ये एक अजीब सी फिगर्स हैं ये फिगर्स किसी से भी डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती कैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि अगर टोटल रेवेन्यू यहाँ पर थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज की है उसके ऊपर सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज की डिमांड निकालना कमोन मिन्सा या ऐसे थोड़ी होते इतने इतना नहीं होता किसी भी तरीके से अगर हम ये क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर यहाँ पर निकाल के देखने लगों और क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम यहाँ पर जीएसटी इंक्लूडेड अब तो यहां पर जीएसटी कितनी बनती है जीएसटी बनाने का तरीका है. मेरे हिसाब से कॉमन कॉमन uh, मैन के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि वन नाइनटी वन करोड़ रुपीज का यहां पर रेवेन्यू है और हॉस्पिटैलिटी टोटल सेवनटीन करोड़ रुपीज की है ग्रोथ रेवेन्यू टू जीरो नाइन करोड़ की हो गई और इसके ऊपर एटीन परसेंट जो जीएसटी बनता है वो थर्टी एट करोड़ रुपीज का हो गया ये बड़ी सिंपल सी बात है ये रिवर्स कैलकुलेशन है सिंपल सी लेकिन 191 करोड़ रुपीस की या 200 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू के ऊपर हम अगर ये कहें कि आ, 2000 करोड़ रुपीस की जीएसटी चाहिए तो आ, ये कुछ ऐसा ही है कि आ, शायद ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है शायद इस इंडस्ट्री को यहां पर खत्म करने का मन है मीन्स जो भी रीजन हो यहां पर आ, एक्चुअल uh, में अपने पास वर्ड्स ही नहीं है इस चीज को uh, बताने के लिए जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू uh, ही थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज हो, की सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज का जीएसटी शॉर्टफॉल होना और उसकी जो टोटल मार्केट कैप ही फोर लैख सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज की हो और जिसका बैलेंस शीट का साइज ही सिर्फ टू करोड़ रुपीज का हो तो uh, यानी कि क्या मतलब है कि भाई हम तो ऐसे ही करेंगे हम तो ऐसे ही करेंगे और uh, हम कुछ नहीं मानेंगे किसी की नहीं सुनेंगे So यहां पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी नजर नहीं आती फिर एक भी आता है क्लैरिटी तो क्यों नहीं लेकर आए ये कुछ ऐसे ही नहीं हो गया कि जैसे बीवी ताने मारने लगे कि तुमने बीस साल में किया है आज तक मेरे लिए घुमाने कब लेकर गए हो अब आप याद करने लोगों की हाँ यार कब घुमाने लेकर गए थे तो पिछले बीस साल से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता क्या कि तुम्हें खुद भी तो याद रखना चाहिए तो मीन्स अपने पास तो उस चीज का जवाब ही नहीं है तो टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर मेरा मानना ये है इंडिया में एक बहुत ही डिसेंट तरीके से एक हाई कमिटी को कॉमन मैन को जो इस देश के जो इस देश के सिटीजन्स हैं जो नागरिक हैं भारत के उनके हित को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमेटिक अप्रोच से एक सिंप्लिसिटी के हिसाब से एक कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई जितना कमाई होगी उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा नो इफ नो बट नो डिडक्शन और नो no एक्जम्पन किसी तरह का कुछ नहीं नो सरचार्ज नो एग्जम्पन सिर्फ एक फ्लैट रेट ये लगेगा जीएसटी का मतलब ही तो ये था कि एक सिंप्लिसिटी लेकर आना लेकिन अगर पिछले पांच साल की रेवेन्यू थ्री थाउजेंड करोड़ डिमांड अठारह करोड़ तो जो भी रूल्स हैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इन दैट रूल लेकिन एक कॉमन नागरिक के हिसाब से तीन हजार करोड़ थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीजू के ऊपर रूपीज की जीएसटी डिमांड आना ये किसी के भी समझ से बाहर होगी तो एक सिंप्लिसिटी लाने की जरूरत है अब बात ही आती है क्या किया जाए इसमें चलो ये तो सारी बातें हो गई तो यहाँ पर क्या किया जाए अगर किसी के पास ऑलरेडी है आपको लगता है कि ये डिमांड जो नोटिस है ये बाद में चल के कैंसिल हो जाएगा आई डोंट नो कैंसिल होगा या नहीं होगा क्योंकि इस तरह की ही चीजें टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर हुई थी 2006-7 के आसपास 8 के आसपास पूरी इंडस्ट्री यहां पर खराब हो गई थी इतना एनपीए बना था उस टाइम पर बिकॉज दैट वाज ए वेरी बिग इंडस्ट्री लाइसेंस कैंसिल हो गए थे टू जी के उस टाइम पर और आ, सब कुछ बेकार हो गया था आई डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हैपन वोडाफोन आइडिया अभी तक भी इसी तरह की सिचुएशन में है केन इंडिया इसी तरह की सिचुएशन में था कि बैक डेट से जाकर चीजों को चेंज करना सडनली और एकदम से बड़ा बम फोड़ जाना तो ऐसे में जो डायरेक्टर्स हैं जो प्रमोटर्स हैं उनका तो नुकसान होता ही है लेकिन कॉमन मैन का ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की भी बात करने लगे तो प्रोमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है थर्टी थ्री परसेंट की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है बाकी कॉमन मैन का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है पब्लिक का डीआईआई का एफ आई आई का जो जनरल नागरिक है उनका पैसा लगा हुआ है तो उनके पैसे को भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए हित ध्यान में रखना चाहिए आ, कोई भी कानून प्रैक्टिकलिटी से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जनरल नागरिक के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए आ, अब बात यह आती है कि यहाँ से निकल जाए क्या आ, देखो इट्स योर चॉइस लेकिन आ, इतनी बड़ी डिमांड आना और गवर्नमेंट के साथ अगर टसल है किसी तरह की आ, किसी मैनेजमेंट की या किसी इंडस्ट्री की तो वहाँ दो दिन में तो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है ऐसा तो होगा नहीं कि जीएसटी ने भी सोच समझ कर ही डिमांड यहां पर निकाली होगी कायदे कानून को पढ़कर ही निकाली होगी वो भी ये नहीं चाहते कि आज डिमांड निकाले और कल को अगेंस्ट उनके कोई नोटिस आ जाए कुछ भी आ जाए मिनसा उनका ये नोटिस ही कैंसिल हो जाए वो भी ऐसा नहीं करते तो ये बड़ी फाइट हो सकती है यहां पर अगर थोड़ा बहुत माइनस में है निकलने में भलाई होती है ऐसे में और ज़्यादा माइनस में मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी नहीं क्योंकि ऊपर खरीदने के लिए तो मैं हमेशा ही मना करता हूँ और जब लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तब से भी सिर्फ टेन परसेंट के आसपास ही नीचे है और टेन परसेंट नीचे में भी आ, पहले तो ऊपर ही गया था जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी वीडियो वॉज मेड ऑन दिस इवनिंग यानी कि एट ए प्राइस प्राइस ऑफ 188 और 190 के आसपास का तब था, 189 के आसपास आसपास का का तब था 189 उसके बाद यहाँ से ऊपर गया स्टॉक प्राइस और ऊपर भी 8 परसेंट के आसपास गया और अभी अगर हम नीचे देखने लगे तो नीचे भी 8 परसेंट के आसपास ही है बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं है एक और पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मार्केट में पैसे लगाओ फाइव से ज्यादा एक स्टॉक में मत लगाओ ये चीज मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अनफोर्सिन चीजें किसी भी जगह कभी भी कैसे भी हो सकती हैं यहाँ पर जो वेल well डाइवर्सिफिकेशन है वो इसीलिए किया जाना जरूरी है और अगर 5 परसेंट इस स्टॉक में लगाया हो और अगर 20 परसेंट डाउन सर्किट पर भी मतलब 20 परसेंट फोल पर भी बेचने का मौका मिले तो टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर सिर्फ 1 परसेंट का नुकसान होता है और अगर 40 परसेंट डाउन पर भी निकलने की बात हो तो भी यहाँ पर जो टोटल नुकसान होता है टोटल पोर्टफोलियो का वो टू ही होता है उससे ज्यादा नहीं होता जीरो भी हो जाए तो भी फाइव का ही नुकसान होता है और अगर पूरे साल में यहाँ पर पच्चीस तीस पैसा बनता है और तेजी आती है मार्केट में तो फोर्टी परसेंट आसपास तक बनता है तो 5% ये चलता है इसी इसीलिए इसी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है अब बात यह आती है विवेक भाई अगर यहाँ से ये फोर्टी डाउन आ जाए क्योंकि प्रैक्टिकली इतनी बड़ी डिमांड यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकती तो आप खरीदोगे क्या आई विल नॉट बाय यहाँ पर जब गवर्नमेंट के साथ सीधा सीधा यहाँ पर टशल हो किसी भी तरह का तो उस फाइट में या वहां पर मुझे वैल्यू बाइंग नजर नहीं आती वैल्यू बाइंग दूसरी सिचुएशंस में नजर आती है जहां पर किसी बिजनेस की बात हुई कोई छोटा मोटा सा पॉइंट हुआ कोई टेम्प्रेरी यहाँ पर पॉइंट निकल कर आया जैसे एच बैंक के केस में निकल कर आया था कि यहाँ पर एच बैंक और एच लिमिटेड के मर्जर की वजह से बुक वैल्यू कम हो जाएगी ट्वेंटी एट पर शेयर से जो सिर्फ वन क्वार्टर की कमाई है तो वो टेम्प्रेरी है वहां पर क्लैरिटी है कि ये रेवेन्यू का जो ड्रॉबैक है वो वन क्वार्टर में पूरा हो जाएगा फिल हो जाएगा लेकिन ये सिचुएशन कब तक चलेगी कहना मुश्किल है सो आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक और आप अपना अपने हिसाब से लेंगे लेकिन टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है ये कॉमन uh, मैन uh, की एक रिक्वायरमेंट है कि uh, यहां पर सिंप्लिसिटी लाई जाए सिंप्लिसिटी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएशन यहां पर होना चाहिए और ये काफी टाइम से पेंडिंग है आई अर्ज द गवर्नमेंट के uh, सब चीजें अच्छी कर रही है गवर्नमेंट uh, देश के हित में है कॉमन मैन के हित में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा तो देश और तरक्की करेगा यहां पर सिचुएशंस और अच्छी होंगी कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय भारत